falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. Falling for nobody else but you. Turn off the radio. Peace, brother. Huh? How are you going? You go be chatting with me, baby, brother. What's up? I hope that brother, yeah. उससे तो बहुत फिट है जो उधर गया था, याद है? चार बिल्कुल तो रहा था. मशहूर हो जाऊंगा मैं. फिर कोलैबोरेशन भी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह. आज मैं आया हूँ इधर दामने को मुनाल के करीब. मौसम बहुत ही अच्छा है, तकरीबन 4 बज रहे हैं और क्लाउडी वेदर है. सुबह बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है. पीछे फैसल मस्जिद और मेरे साथ हैं अब्दुलरहमान. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है अब्दुलरहमान? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ? ठीक ठाक. अब्दुलरहमान अपना इंट्रोडक्शन करवाओ. मैं हसनान का फ्रेंड हूँ. हम लोग स्कैंस में मिले मिले तो हम BMBS में थे. आई थिंक BMBS की क्लास में हम मिले और फिर टैक्स और ऑडिट और अभी तक हमारी ये जो दोस्ती है चल रही है. राइना भी चलती रहेगी इंशाल्लाह, चलती रहेगी. तो कबाब आपको आज कैसे लगे? हाँ बिल्कुल, कबाब आज हमने न्यू जगह ट्राई की F10 में, जानान के नाम से आई थिंक. जानान तो हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतने अच्छे होंगे. हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छे थे. हमने इधर वेदर भी इंजॉय किया और हमने कबाब भी इंजॉय किए. कंग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू चैनल. थैंक यू. आई होप आप अच्छे ब्लॉगर बनोगे और मुल्क का नाम रोशन करोगे इंशाल्लाह. Thank you.
सेंस ऑफ ह्यूमर और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मैच करता है, क्लोज रहूं मैं इन दिनों में। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आगे भी दोस्ती चलती रहेगी, इंशाल्लाह आगे चलेगी। इसने फर्म ज्वाइन किया लड़के ने, कौन से फर्म में गए हो यार? यार हुसैन राठौर पीकेएफ फ्रांस के नाम से। हां तो कैसा एक्सपीरियंस? अभी फिलहाल काफी अच्छा है, एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, क्लाइंट्स भी अच्छे हैं। इससे ज्यादा जो आपके मैनेजर और सीनियर्स होते हैं वो काफी मैटर करते हैं, वो काफी कोऑपरेटिव है, वो काफी हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा, वो चीज मेरे ख्याल से काफी फर्म से ज्यादा ये चीज मैटर करती है, आपका बॉस कैसे और आपको किस तरह वो आपको एकोमोडेट कर रहे हैं। अच्छा, और इस लड़के ने इसको आप हल्का ना ले, इसने मास्टर्स कर रहा है ये। जी मास्टर्स क्या कर रहे हैं आप? मैं मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी कर रहा हूं। सी एक छोटा सा लड़का है, मास्टर्स कर रहा है। इन लोगों ने गंद फैलाया हुआ है, इधर आते हैं लोग खाते हैं लेकिन अपने साथ नहीं लेके जाते। जी बिल्कुल, जब भी कहीं जाना चाहिए जो भी गंद मचाओ साथ लेके जाओ, वापस लेके जाओ। जी जी वापस लेके। लोग अक्सर आते हैं, हाँ, खाना पीना खाते हैं, गंद वहीं छोड़ जाते हैं, मगर मेरे ख्याल से सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी अपना सामान आप लाओ साथ ही पैक करके गाड़ी में ले जाओ, जिधर डस्टबिन आपको मिले आप उसके अंदर वापस डालो। कबाब का ये हम अपने साथ लेके जाएंगे और इसको हम डस्टबिन में प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे। आप भी ऐसे किया करें, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग, मेरे दोस्त भी अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्त, और वो सिगरेट पीते तो सिगरेट बाहर फेंक देते हैं, या और कोई पेप्सी वगैरह पीते हैं तो बाहर फेंक देते हैं। आपको नहीं फेंकना चाहिए, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, इसको साफ रखें, साफ ही अच्छा लगेगा। नेचर को आप इसी तरह एंजॉय करेंगे, फिर सब चीज़ें गंदी हो जाएंगी तो क्या बच क्या जाएगा? क्या ख्याल है अब्दुलरहमान? जी बिल्कुल, हम कहते हैं कि पाकिस्तान गंदा है गंदा है, मगर हम ठीक है अब्दुलरहमान, हमें आपका मैसेज समझ आ गया। नफ्स-ए-वान है जैसे कहते हैं, तो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामान हम जो भी वेस्ट है वो हम साथ लेके जाएं और प्रॉपर उसको डंप करें। टेनिस भी खेलता, ये मैंने न्यूमेरिक लॉक लिया है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको चाबी की जरूरत नहीं है। मैं नंबर तो ना देगा, देख लो यार ना छोड़ दी। अच्छा अब्दुलरहमान, अपनी रिबॉन के बारे में यार थोड़ा बताओ, रिबॉन आपने कब लिए? ये यार मैंने रिसेंटली लिए, अभी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं, इससे पहले मेरे पास कल्टस थी तो वो मैंने एक्सचेंज कर दी। कैसी लगी है रिबॉन आप? फिलहाल वेरी गुड, काफ़ी स्मूथ ड्राइव है इसकी, मैं इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले मैं 1000cc चलाता था, उसके बाद 1800 पर स्विच करना, उसके बाद काफ़ी आपको डिफरेंस फील होता है, इसकी ड्राइव काफ़ी स्मूथ है। फ्यूल कंजम्पशन कैसी है? यार फ्यूल कंजम्पशन कम है, अगर आप इकोनॉमिकली सोचो कि आपको फ्यूल सेव करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स इसके 2 गाड़ी जितना खर्चा है, इन सिटी अराउंड 8 to 9 देती है, लॉन्ग अगर आप मोटरवे पे चलाते हो 11 to 12। यार ये मैंने 15 के लिए है। 15 की? अच्छा, तो आप जब ये ले रहे थे तो आपके पास और क्या ऑप्शन? ऑप्शन में पास सिटी भी थी, प्रियस भी थी, मगर फिर इस प्राइस रेंज में मुझे सेवे काफ़ी बेहतर लगी। अच्छा, इसकी गाड़ी बड़ी साफ़ है माशाल्लाह, आपको कहाँ से मिली है इतनी साफ गाड़ी? साहब बस कोई अच्छा बंदा था उसे मिली है, असल में आउट ऑफ कंट्री रहता था तो उसने इतनी चलाई नहीं थी, तो इवन इस्लामाबाद से भी बाहर नहीं गई भी गाड़ी। अच्छा, तो ओनली 29,000 किलोमीटर चली। लॉन्ग पे गए हो आप? हाँ लॉन्ग पे मैं लाहौर गया हूँ। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा अच्छी ड्राइव रही, इवन 170 में मैंने चलाई है, तो यानी बिल्कुल स्मूथ गाड़ी रही है, कोई आपको वॉबल फील नहीं हुआ गाड़ी में। तो ट्रीट तो बनती है फिर? ट्रीट शायद कबाब हमने खाए हैं, ट्रीट ही थी तो मेरी ट्रीट थी। लेग रूम कैसा है यार इस गाड़ी में? यार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। मैं सुना है नई सिविक भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको ये वाली सिविक की ड्राइव अच्छी लगेगी, बाकी इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, तो गाड़ी बिल्कुल नहीं है। अब्दुलरहमान इससे बाहर निकल, अब चलाते हुए तो नहीं निकल सकते, तू गाड़ी चलाते हुए निकल सकते इससे बाहर? सीट बेल्ट सबसे पहले पहले, माशाल्लाह, सेफ्टी फर्स्ट। ओके अब्दुलरहमान, सो अल्लाह हाफिज़, नाइस मीटिंग, लाइकवाइज।